दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। वो कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश में था। ताहिर हुसैन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहिर हुसैन की कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। हम आपको इस मामले में अब तक की पूरी अपडेट देंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहिर हुसैन की कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वह 24 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में ही था। इससे पहले ताहिर ने दावा किया था कि 24 को अपने घर से परिवार सहित चला गया था। फ़ोन की लोकेशन के मुताबिक 27 फरवरी को वो जाकिर नगर में था, लेकिन उसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस इसकी जांच करेगी कि अगर वो अपने घर से 24 फरवरी को चला गया था तो फिर 27 फरवरी तक हिंसाग्रस्त इलाके में क्यों था। आपको बता दें कि गुरुवार को ताहिर की गिरफ्तारी फिल्मी स्टाइल में हुई। वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने हुसैन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके द्वारा मांगी गई राहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 के तहत अपराध की जांच और मुकदमा उसी अदालत द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की SIT ने ताहिर से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। ताहिर पर IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करवाने के अलावा और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली हिंसा के पीछे किसी साजिश में ताहिर की भूमिका है या नहीं, पुलिस इसकी तफ्तीश में लगी हुई है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था। दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 42 लोगों की जान गई और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही खबरों के ताज़ा तरीन वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।